मुर्दाबाद। अपने थर्मलाइट जिहड़े बंद कर लिया वो चला के बिजली पैदा करनी सी, ना तो वह हो रही है, ना ग्रिड के उत्तों पैसा दे के होर खरीदने की सरकार की समर्था वो खरीद रही है, ना सर्दियों के विच इन्हां ने आप बिजली तैयार करके पहाड़ी सूबे नूं उधारी दित्ती है, उन्हां तों वापस लैंदे, वो सारे सारे प्रबंधन सरकार फेल है। पैडी के सीजन के चलद किसानों पूरी बिजली ना जो कि 8 घंटे सरकार ने अनाउंस की थी, बिजली ना मिलने कारण रोस जोड़ा आ अलग अलग थान के उत्ते किसानों बढ़ता जा रहा है। तो अलग अलग थान तो पंजाब तो खबर आ रही है कि कभी आ बिजली कर घेर लिया, तो कभी इतने कोई तलखी हो गई, कभी कुछ हो गया। तो अज जानते हैं इस बारे गल, पहला तो यह दसो जी कि मुद्दा की है, मेन क्यों अच्छे इतने इकट्ठे हुए हो? देखो जिहड़ा सानू झोने के सीजन वास्ते 8 घंटे लगातार बिजली सप्लाई का सरकार का वायदा, उदे तो पिछले लगभग 8-10 दिन तो लगातार हौली हौली कट वधाउणे शुरू होए सी, 1/2 घंटे तो चल के अज एवरेज 3 घंटे कट, 8 घंटे दे विचों 5 घंटे बिजली सप्लाई वह भी लगातार नहीं, उदे विच भी 1-2 कट। पहली गल, दूसरी गल, वोल्टेज ड्रॉप इन्नी ज़्यादा, वोल्टेज इन्नी घट है भई साढ़े मोटरां भी सड़ रही, पानी भी अद्धे निकल रहे, इस करके साड़ी अज मजबूरी बन गई है भई ना तो असी नवा झोना होर लुआ ला सकते हैं, ना पुराने का पानी पूरा हो रहा, वो जनरेटर चलाने पै रहे हैं, जिहड़ा कि डीजल का भा अज दसण की लोड़ नहीं, सारिआं नूं पता गन्ने की फसल साड़ी सुक गई, नवे झोने की लुआई बंद हो गई, पुराने झोने पानी लाने लई भी सानूं जनरेटर चलाने पै रहे हैं, 8 घंटे की बजाय 5 घंटे वह भी कट ला के आ रही है। अज मजबूरी बस साढ़े सारे जिमीदारां बहुत सारे बिजली दफ्तरां अज रोस प्रदर्शन हो रहे, इस करके मजबूरी की खातर अज असीं ये रोस प्रदर्शन संकेतक कर रहे हैं। अगली रणनीति असीं अज शाम नूं बनावांगे, वो किहो जिहा प्रोग्राम लिखदे आ वो कल नूं पता लगे। एक कुछ एक एरिए दे विच इदां हो रहा है जां पूरे पंजाब दे विच जिहड़े आ ये कट लग रहे हैं? ये पूरे पंजाब दे विच लग रहा, लग रहा साड़ी सरकार दे माड़े प्रबंधां दे कारण। ये फरवरी दे विच भविखबाणियां होण लग गईआं सी कि इस बार झोने ते सप्लाई दी मुश्किल आएगी, सरकार प्रबंध नहीं कर रही। जद मीडिया वालियां नूं, जद जगाउण वालियां ने सरकार नूं फरवरी च भी जगाउण दी कोशिश कीती सी कि भाई लाइट दे प्रबंध करो, जिन्हां सूबिआं नूं सर्दियां च पहाड़ी सूबिआं नूं उधारी देणी आ दिओ, उन्हां तों वापस लैणी आ, नवीं दे प्रबंध करने आ, वो सरकार ने करने, बिजली बोर्ड ने नहीं करने। पर बिजली का कहा जा रहा है कि पंजाब दे विच सरप्लस बिजली आ, पंजाब बिजली बेचेगा, इदां दे जिहड़े वादे आ उह कीते जांदे आ सरकारां वल्लों। देखो कहण नूं तां मोदी साहब ये कह के आए सी कि असीं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देनी आ, लेकिन जो सानूं मिलदा सी उहनूं उह भी खोह लिया। कैप्टन साहब कह के आए सी भई सारा ही कर्जा मेरा है, चाहे वह किसी का भी होवे, वह सारा ही मेरा, लेकिन जिहड़ा साडा अपना सी सानूं उह नहीं मिल रहा। गन्ने दीआं पेमेंटां इस साल तक ही पिछले साल दीआं खड़ियां, मक्की दा भा अज सरकार दी खरीद 1900 रुपया, लेकिन मार्केट सानूं 1500 मिल रहा। इस करके कहण दा सरकार जो कह रही आ, अगर सरकार वो करे तां साडा कोई शौक नहीं असीं गर्मी दे विच सड़कां ते अपने मुलाजम वीरां नूं परेशान करिए, अपनी जनता नूं परेशान करिए, साडा कोई शौक नहीं, मजबूरी साडी बनदी है तां असीं इह कुछ करन लई मजबूर हुंदे। की क्या की जा रहा भी कट क्यों लग रहे हैं, की कोई रिपेयर चलती है जां पिछों ऑर्डर ने, कुछ तो दस्या जांदा हो अफसर वालों? इन्हां कोल कोई रिपेयर नहीं चलती, इन्हां को बिजली का प्रबंध जिन्नी सप्लाई चाहिदी आ उह तो सप्लाई इन्हां कोल बहुत घट है। उहदा मेन कारण भई सरकार ने जिहड़ा सबसिडियां का पैसा बिजली बोर्ड नूं देना वह नहीं सरकार दे पा रही, बिजली बोर्ड भी वड्डी कर्जे की पंड थले आ, जिहड़ी दूजे सूबिआं तों जां अपने थर्मलाइट जिहड़े बंद कर लए वो चला के बिजली पैदा करनी सी, ना तो वह हो रही आ, ना ग्रिड दे उत्तों पैसा दे के होर खरीदने की सरकार की समर्था वो खरीद रही आ, ना सर्दियों के विच इन्हां ने आप बिजली तैयार करके पहाड़ी सूबे नूं उधारी दित्ती है, उन्हां तों वापस लै लैंदे, वह सारे सारे प्रबंधन सरकार फेल है। इन्हां को मंग दे नालों सप्लाई बहुत थोड़ी है, जिड्डी साड़ी मंग है उहदा इन्हां को 60-65 पैसे सप्लाई है, उस जिहड़ा 35-40 पैसे का गैप है वो उन्हें पूरा करने लिए कट ला के उन्होंने सारे जा रहे हैं। हुण अगली रणनीति की होएगी जे सपोज करो कि इदां कट लगते रहे कि फिलहाल हो सकता 2 या 4 दिन के लिए बिजली पूरी दी जाए, उस तो बाद फिर कट शुरू हो जाए, कि यह जी खेड है वो इस तरीके चलती रहेगी कि जेड़े धरने कभी लग गए कभी हट गए, की रणनीति होएगी अगली? देखो अज सवेरे इन हालातों के मजबूर होकर सीएम ऑफिस नाल भी सतनाम सिंह होना की गल हुई है, तो उत्थों भी उन्हें भरोसा दिता कि असी अज ये स्पैशल मीटिंग बुला के
कोई सख्त फैसला लवेंगे। असी उसकी वेट कर रहे हैं। जिहड़े बिजली बोर्ड दियां अपनियां ना खामियां है, मुलाजम जिहड़े कोई रिपेयर नहीं हो रही, कोई ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे, कोई टाइम ना फाल्ट नहीं कढ़े जा रहे, वो बिजली बोर्ड के मुलाजमान का कसूर है। जिहड़ी सप्लाई देनी है वो सरकार का कसूर है। असी दोनों पासे राबता बनाया आ, इन्हां नूं बेनतियां करते हैं भी भाई जिमीदार की मजबूरी है, जिमीदार ने अपने खर्चे पूरे करने आ, जिमीदार की मजबूरी है। रब का वास्ता जिहड़ी अपनी ड्यूटी आ, ड्यूटी नूं समझदे होए जिमीदार नूं 8 घंटे लगातार सप्लाई दित्ती। जिदा तुहाडा कहना कि सरकार का फेलियर आ, जिथे अफसरां नूं तुसीं घेर रहे हो जिहड़े सरकार के नुमाइंदे आ, उन्हां दे नाल भी इस टॉपिक ते गल होई आ? देखो असी इन्हां अफसरां नूं घेर रहे हैं इस करके भी ये भी किते ना किते दोषी है। जिहड़ा बनता उहदी मेनटेनेंस है उहदे विच ये भी अणगहली वरतदे है। टाइम ना ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे, टाइम ना वोल्टेज ड्रॉप वालियां लाइनां नहीं पाईआं, जिथे किते फाल्ट आ जांदा उत्थे भी मुलाजम काफ़ी समा उस फाल्ट नूं कढ़न ते ला रहे, इस करके वो मेन इन्हां दा कसूर भी बनता। दूसरा यह है भाई साडा जिहड़ा रोस प्रदर्शन बिजली के खिलाफ है वो स्टार्ट बिजली दफ्तरां तों ही होणा, इस करके बेशक वो सरकार के खिलाफ है, वो थ्रू चैनल बिजली दफ्तर ही स्टार्ट हो। हुण तुहाडी किसे ऑफिसर दे नाल गल हुई है इस संबंधी? इत्थों SDO साहब आए सके, वो कहिंदे सी भई SSC साहब आ रहे आ, लेकिन असी उन्होंने गुजारिश की है भी जां तां डिप्टी चीफ जलंधर तो होण जां सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एक जिम्मेवार अधिकारी होण, वो आके सानू कोई भरोसा देण, फिर असी इहनूं अगे सोचांगे भी की करना। ऐसी किसानों ने गल हुई कि जो बिजली का दुख आ जिस करके पैडी का जोड़ा सीजन आ वो खराब हो रहा है, तो वो संबंध से इन्होंने दसिया कि जो टाइम के नाल जी 8 घंटे क्या घट्टो घट 8 घंटे बिजली जरूर देन, इस तो बद मिल जाए तो बहुत चंगी गल आ। डीजल के भाव जोड़े आ वो बहुत बढ़ चुके हैं, जिथे इन वाल दसया गया सरकार का फेलियर आ उत्थे ही जोड़ा डिपार्टमेंट आ वो भी कमजोरी जी निकल के सामने आई है। कैमरामैन रमन के नाल हरविंदर सिंह बसरा फगवाड़ा।